हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ फैब्रिक्स दिखाई दे रही है और इनको मैंने मार्केट से ओनली 20 और 50 रुपीस में लिया है। और आज मैं आपको इन सब की यूजेस के बारे में बताऊंगी, इनसे क्या क्या बन सकता है और आप क्या इनसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देखिए, ये एक नेट फैब्रिक है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये एक छोटा सा पीस मुझे 50 रुपीस पे मिला तो मैंने इसे ले लिया, क्योंकि मैं इससे गाउन की टॉप पार्ट बना सकती हूँ या फिर इन पैटर्न्स को काट के मैं कहीं और भी लगा सकती हूँ। ये एक छोटा सा पीस है, बहुत ही खूबसूरत है। और इस पर ये देखिए, सीक्वेंस भी लगी है इस पर। आप बहुत अच्छी तरह से इन पैटर्न्स को काट के कहीं और डिज़ाइन कर सकते हो इससे। और इसके बाद ये और एक नेट है जो पूरा का पूरा सीक्वेंस और जरी थ्रेड का वर्क है। और ये भी एक छोटा सा पीस है, ये भी मैंने 50 रुपीस में लिया है। और इससे मैं ब्लाउज की बैक और आर्म्स, दोनों आर्म्स बना सकती हूँ, इसलिए मैंने ले लिया इसे 50 रुपीस में, ये छोटा सा पीस। और इसे देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा एक दूसरी टाइप की नेट है, नेट फैब्रिक है। ये देखिए, आप देख सकते हो इसे। इससे मैंने लिया था गाउन के लिए, लेकिन अभी मैं इससे श्राक बनाऊंगी। अगर मैं श्राक बनाती हूँ तो सर्दियों में जीन्स के साथ, स्कर्ट्स के साथ, हर किसी के साथ ले सकती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है, ये भी मुझे 50 रुपीस में मिला। मैंने 4 मीटर लिया था ये गाउन के लिए, लेकिन अब मैं इसे श्राक बनाऊंगी, गाउन्स नहीं बनाऊंगी। और इसके बाद ये ब्रोकेट का फैब्रिक है, ब्रोकेट। ये मुझे 40 रुपीस में मिला था, तो मैंने यहाँ पे एक कुर्ती के हिसाब से 1.5 मीटर लिया, जो कि मैं इससे कुर्ती भी बना सकती हूँ। लेकिन ब्रोकेट से आप ओनली कुर्तीस नहीं, सलवार्स भी बना सकते हो, प्लाजो भी बना सकते हो और ब्लाउज भी बना सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत कपड़ा है। और इसके बाद ये है खादी सिल्क का कपड़ा, जो मैंने 2 मीटर लिया था सलवार के लिए। इसे भी आप प्लाजो बना सकते हो, शरारा बना सकते हो। और मैंने लिया है इसे अपनी साड़ी की बॉर्डर डिज़ाइन करने के लिए। इस तरह की कपड़े से आप साड़ी बॉर्डर भी डिज़ाइन कर सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत है, ग्लेज है इसमें, खादी सिल्क में है ये कपड़ा। ये भी मैंने 40 रुपीस मीटर में लिया था, 2 मीटर लिया मैंने। और ये देखिए, अगर आपको मिल जाए इस तरह की कोई साड़ी या कपड़ा, ये पूरी एक साड़ी है जो चेन्नई कॉटन बोलते हैं इसको, लेकिन मैंने ले लिया इसको कि मुझे लाइनिंग की काम आएगी। मैंने 100 में मिला ये मुझे, 100 रुपये में मुझे ये पूरा 5 मीटर मिला, तो मैंने ले लिया इसे लाइनिंग के लिए। मैं कहीं पे भी इसे लाइनिंग की तरह यूज़ कर सकती हूँ इस साड़ी को, या फिर कोई सलवार भी बना सकती हूँ इससे। और आप ये देखिए, ये एक नेट है जो कि मुझे ओनली 20 रुपीस में मिला। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये नेट का कपड़ा। इससे कुछ डिज़ाइनिंग भी हो सकता है या फिर हाफ साड़ी भी बन सकती है। तो मैंने ये लिया 3 मीटर का, जो कि मैंने गाउन के लिए लिया था। और इसका दूसरा कलर देखिए, ये देखिए 2 टोन में है ये नेट, जो पिंक और ब्लू में है। मैं इसे एक साड़ी क्रिएट करने वाली हूँ जिसके साथ इसका बॉर्डर, इस कपड़े से बॉर्डर डाल के मैं इसे एक साड़ी क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि मेरी अगली वीडियो होगी साड़ी का। और आप देखिएगा ज़रूर मैं किस तरह से इसे क्रिएट करता हूँ
और ओनली 20 रुपीस में आप सोच भी नहीं सकते, मैंने 6 मीटर लिया है, 1 मीटर मैंने 5.5 मीटर रखा है मैंने साड़ी के लिए और बाकी मैंने ब्लाउज के लिए काट के रख दिया। ये देखिए ये दोनों कलर कितनी खूबसूरत है ये। और ये देखिए एक वेलवेट का छोटा सा पीस है, और भी कुछ था जो मैंने बॉर्डर के लिए छोटे छोटे पीसेस जो इस वेलवेट के साथ मिलाकर मैंने 50 रुपीस में लिया। ये वेलवेट का एक छोटा सा पीस है, आप इससे भी डिजाइनिंग कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए मैंने इस सर्दी में पहनने के लिए इस फ्रॉक में कैसे वेलवेट से डिज़ाइन किया हुआ है इसका कॉलर में। ये देखिए इसका इतना खूबसूरत लुक आया है, और वेलवेट की ये बेल्ट भी डलवाई है मैंने। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्रॉक बना है ये। ये देखिए ये इसका कॉलर में मैंने वो वेलवेट का छोटा सा पीस भी मैंने यूज़ करके कितना खूबसूरत लग रहा है ये इसका कलर। ये देखिए इस कपड़े से मैंने इसका कलर डाला है और ये बेल्ट बनवाई है। कोई पुरानी बेल्ट से आप ये बॉक्लेस उतार कर भी अपने घर में ही तैयार कर सकते हो आप ऐसा। कोसुल का फैब्रिक ये नॉर्मल फ्रॉक से थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में हुआ है ये। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स प्लेट डाला है और फ्रंट ओपन है थोड़ा सा, और यहाँ पे बटन लगा कर मैंने ये फ्रॉक तैयार किया है। ओनली मैंने यहाँ पे वेलवेट का यूज़ किया है छोटा से पीस का। तो देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत आया है। इस तरह से आपको छोटे छोटे अगर खूबसूरत पीस मिल जाए बाजार में तो लेना ले लेना, इसे डिज़ाइनिंग में काम आता है। और इसके बाद देखिए आप ये चुन्नी देखिए, ये मैंने 250 रुपये में लिया है, फुलकारी चुन्नी है ये। इसमें बहुत कलर है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, येलो है। अगर मैं प्लेन कुर्ती के साथ भी इसे ले सकती हूँ, प्लेन की किसी भी कोई भी कलर आपको सूट करेगा, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, आप कोई भी कलर ले लो इसके साथ ये बहुत अच्छा मैच करेगा। और इसमें जितने भी कलर्स है इन्हीं कलर्स की आप प्लेन कुर्तीज के साथ ये इसे ले सकते हो, कितना खूबसूरत है ये। 250 में लिया मैंने। और इसके बाद ये देखिए चुन्नी देखिए, इसे मैंने ओनली 50 रुपीज़ में लिया, कितना खूबसूरत है ये चुन्नी और कितना स्टाइलिश भी है। पार्टी के लिए ये बहुत ही अच्छा है, इसे मैंने ओनली 50 रुपीज़ में लिया। और इसके बाद देखिए ये और एक चूड़ीदार की पीस है, मतलब सलवार कमीज की पीस है जो बनारसी में है ये। इसे मैंने 1000 रुपये में ले लिया, ताकि मुझे ये चुन्नी बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये चुन्नी में बहुत सारे कपड़ों के साथ, ड्रेसेस के साथ मैं ले सकती हूँ, बहुत ही स्टाइलिश है। और ये पूरा 2.5 मीटर में है चुन्नी, कितना अच्छा है ये, कितना खूबसूरत भी है। ऑरेंज कलर की चुन्नी और पिंक कलर में टॉप पार्ट, और फिर ऑरेंज कलर में ये सलवार। ये पूरा 2.5 मीटर है टॉप पार्ट, 2.5 मीटर है सलवार में, और 2.5 मीटर है चुन्नी में। तो 1000 रुपये मुझे देने में कोई हर्ज नहीं हुई, तो मैंने ले लिया इसे। और मेरी अगली वीडियो है साड़ी डिज़ाइनिंग, आप ज़रूर देखिएगा। और आज की ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।